Hello guys, this is Vinayak Shede from JKB Education Group. In this particular video, we are going to see how we fill the option form. How we should fill the option form. Yes, for the engineering admission process in entire Maharashtra. So we have live Mr. Chiranjeev Nagarajan with us. You can see the details of this candidate. Yes. And you can also see the score that he have got in CET. उसको CET में कितना स्कोर आया, कितना परसेंट आया, वो भी आप देख सकते हो. So he have got total. Where is the total score? 92.99, 71699. These are the percentage that he have got in JEE Main, and he have got total. Just a second. 99.152470 percentile in CET. So he is the candidate who have got more than 99% in CET. Now let's have a look how we are filling the option form for such candidate. मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, fill the maximum options so that you can get the admission into engineering. More will be the options, more are the chances to get the admission. लेकिन जिसको 60-70-80% है, वो भी 10-15-20 ऑप्शन भरता है, और उससे क्या लॉसेस होता है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं बोल चुका हूं. सो लेट्स हैव लुक फॉर दिस कैंडिडेट. सो ही हैव फिल्ड हाउ मेनी ऑप्शंस? मोर देन 70 ऑप्शंस, ऑलमोस्ट 75 ऑप्शंस ही हैव फिल्ड. चिरंजीव, आप और कितने ऑप्शंस इसमें ऐड करने वाले हो? सर और 50 ऑप्शंस मे बी. सो गाइस लिसन टू दिस केयरफुली. 99.15% in CET and adding 50 more options to the 75. So we'll be adding 125 options in the cap round 1. Last ek point bolta hu and then we'll end this video. Agar aapko 90% hai CET mein, or if you have scored, if you have put only 10 options or 20 options, to top 10 college mein to aapko milne se reh gaya 90% pe. Aur agar kisne 80% score kiya rahega, and if that candidate have filled 200 options or 150 options, to usko samajh lo 75th preference pe mil gaya. Kisko? 80% wale ko. To mujhe batao, 80% wale ko 75th preference mil gaya, us pe kiska haq tha Chiranjeev? 90 wale ka tha ki 80 wale ka tha? 90 wale ka tha. Lekin kya ho gaya? Iska popad ho gaya. Usko nahi kam option dal diya to popad ho jayega. Allotment nahi hoga, popadment ho jayega. Lekin 80% wale ko mil gaya. To first time iska kya ho gaya? इसका अलॉटमेंट, इसका पोपनमेंट, मतलब पचका पचका. अभी राउंड टू में क्या करेगा ये 80% वाला? अगर राउंड टू में ये 200 ऑप्शन डालता है कौन 90% वाला, तो ये क्या करेगा? बेटरमेंट, ये थोड़े ऑप्शन डालेगा जो मिला है. हाँ. उससे बेटर ऑप्शन डालेगा और ऑप्शन कैप राउंड टू में ऑप्शन फॉर्म को एडिट करेगा. हाँ. तो एडिट करते समय ये क्या करेगा, जो अलॉटमेंट मिला है 80% वाले को, जो अलॉटमेंट मिला उससे बेटर ऑप्शन डालेगा, और 80% वाले को जो अलॉटमेंट मिला था 75th, वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगा. लेट्स से 80% वाले ने 20 ऑप्शन भर दिया कैप्राउन 2 में. हाँ. 20 ऑप्शन जो मिले हैं वो बेटर वाले डालेगा, हो ना कि कोई अनऑप्शन डालेगा, जो पहले मिला उससे बेटर वाले डालेगा एज पर द रैंक गिवन बाय मी, और 21st वाला ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा जो उसको 75th प्रेफरेंस मिला था कैप्राउन 1 में. हाँ. और सेकंड राउंड में क्या हो जाएगा 80% वाले के साथ, अगर बेटरमेंट हुआ तो अच्छा है. हाँ. बेटरमेंट नहीं हुआ तो जो रिटेन होगा. यस. और राउंड 2 में इसने कितने भी ऑप्शन डाला रहेगा, इसको ये राउंड 2 में भी नहीं मिलेगा. So, इसका डबल पोपनमेंट हो गया. सो माई मंत्रा फॉर द ऑप्शन फॉर्म इज फिल द मैक्सिमम ऑप्शंस. टॉप पे ड्रीम कॉलेज डाल दो, विजडा, सीओईपी, पीसीसीओई, डीजे सांगवी, जितने भी एसपीसीओई, जितने भी टॉप कॉलेजेस है वो डाल दो ड्रीम कॉलेज ऊपर. उसके नीचे आपके एरिया के और अपने कट ऑफ चेक करके वो कॉलेज डाल दो. जस्ट चेक विद योर रैंक, स्टेट मीट रैंक, और बाकी कॉलेज का जी ओपन एच का या जी ओपन एस का रैंक चेक करो, क्योंकि हमारे कट ऑफ में सिर्फ स्टेट मीट रैंक ही है, भले जी ओपन एच लिखो या जी ओपन एस लिखो. तो अपने कट ऑफ चेक करो, लास्ट ईयर के कट ऑफ से जो कॉलेज मिल रहा है वो कॉलेज डाल दो. उसके बाद लास्ट में वो कॉलेज भी डाल दो जहां पे आपको नहीं जाना है, बॉटम में. नाउ द प्रेफरेंसेस ऑफ 2-3 ब्रांचेस, जैसे यहाँ पे देखो, इसने कंप्यूटर डाला है, आईटी डाला, इलेक्ट्रॉनिक्स डाला, मैकेनिकल डाला, सिविल डाला. अभी इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इसकी केस थोड़ी अलग है, इसका इंटरेस्ट अलग रहेगा. वैसे आप भी 2-3 ब्रांच का इंटरेस्ट रखो इफ यू हैव अ लेस स्कोर इन सीईटी. यस, फेयर इनफ. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, फिल द मैक्सिमम ऑप्शंस. टॉप पे ड्रीम कॉलेज, यहाँ पे मिड पे क्या रहेगा जो कॉलेज में मिल रहा है वो, और बॉटम में जहाँ पे नहीं जाना है वो भी. अपने रैंक से ज्यादा रैंक रहने वाले कट ऑफ का कॉलेज भी डाल दो.
प्लीज मार्क दिस थिंग्स इन योर माइंड एंड अकॉर्डिंगली फिल योर ऑप्शन फॉर्म एंड देन यू कैन गारंटी गेट द एडमिशन इन कैप राउंड वन. और अगर कैप राउंड वन में एडमिशन मिला तो राउंड टू में बेटरमेंट होगा या जो है वो रिटेन होगा, लेकिन ओपनमेंट तो पक्का नहीं होगा. आई होप यू गॉट इट. और राउंड वन में ही मैक्सिमम सीट्स फिल होने वाले हैं. टॉप कॉलेज के 100% एडमिशन राउंड वन में होता है और फिर उसके बाद के जो कॉलेज है उसका 90% सीट्स कैप राउंड वन में ही फिल होने वाला है. सो चूज द ऑप्शन वाइजली एंड फिल योर ऑप्शन फॉर्म विद द मैक्सिमम ऑप्शंस. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. दिस इज विनायक शेट्टी फ्रॉम जेकेबी एजुकेशन. थैंक यू सो मच चिरंजीव फॉर बीइंग हियर एंड शो द स्टूडेंट्स, फ्यूचर स्टूडेंट्स हाउ टू फिल द ऑप्शन फॉर्म. And yeah, you can subscribe to my channel JKB Education Group, and you can also like us, like this video, and comment something beautiful that you understand from this video. And please follow us on Instagram JKB Education Group and Facebook as well. Thank you so much. Bye bye. Take care. Please do watch my other videos which I have posted on my channel and Facebook and YouTube on all social media about how to select the branch, which branch is good, and I have given the videos of every single branch where you can come to, you'll come to know. That what is there inside every single branch. आपको हर ब्रांच के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा. सो ब्रांच भी डिसाइड करो. मैंने कॉलेज की लिस्ट भी दी वो भी देखो और ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो भी देखो. इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू डू द एडमिशन इन महाराष्ट्र इन एनी कॉलेज देन माय चैनल एंड द कंटेंट व्हिच आई हैव पोस्टेड ऑन माय ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज फॉर यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस.